मौलवी साहब के परिवार में कमाई का एकमात्र जरिया उनका छोटा भाई था, जो एक छोटी सी दुकान में साइकिल में पंचर बनाने का काम करता था, और इस काम में उनके दो बेटे इकबार और मकसूद उनकी मदद किया करते थे। तो पंचर बना देना। अरे पाजी, हम तो साइकिल का पंचर बनाते हैं, इतने बड़े टायर का पंचर हमने कभी नहीं बनाया। अरे भाई कुछ तो कर। इकबाल, ये आदमी ये ट्रक का टायर लेकर क्यों आया था यहाँ? अच्छा जी, उसका टायर पंचर था और कोई आसपास कोई दुकान नहीं थी, उसकी परेशानी समझ के हमने उसका पंचर बना दिया। ये तो बहुत अच्छा किया। पंचर किसने बनाया? इकबाल ने। लाला की दुकान पे काम करके इकबाल बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके हाथ नहीं कट रहे थे, कपड़े का काम उसे समझ आ रहा था, पूरी जानकारी मिल रही थी। इकबाल के बात व्यवहार से ग्राहक भी संतुष्ट थे, ये बात देखकर लाला भी इकबाल से खुश था। इकबाल लाला की दुकान पर पूरी लगन और ईमानदारी से काम कर रहा था। करीब 2 साल काम करने के बाद अचानक एक दिन हुई झड़प ने इकबाल की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। तुम? अरे तुम ना अपने बाप की तरह साइकिल के पंचर ही जोड़ोगे? भगा दिया है? अरे हाय, कपड़े की दुकान में काम करेंगे है? निकले, निकलो यहां से, निकल यहां से, निकल, खर्दा भी आया कभी। लाला के इस बर्ताव से इकबाल के परिवार में सब लोग दुखी हैं। ऐसे में इकबाल अपने अब्बू से कपड़े की दुकान खोलने की बात करता है, लेकिन छोटे गौरी अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में एक कहावत मशहूर है कि औलाद की खुशी का कोई मोल नहीं। लो 50 का एक, 100 का दो, 50 का एक, 100 का दो। चलो 100 रुपए में दो टी शर्ट, 100 रुपए में दो, 100 रुपए में दो। भाईजान, आपके साथ मैं भी जाऊंगा और मैं भी चलूंगा। तुम क्यों जाओगे? अरे चचा जान, इतनी बड़ी शहर में हम दोनों की सुरक्षा के लिए कोई तो होना चाहिए। इकबाल अपने भाइयों के साथ सुबह की ट्रेन पकड़कर मुंबई चला जाता है। इधर मौके का फायदा उठाते हुए लाला ग्राहकों को अपनी दुकान तक लाने के लिए अपनी दुकान के रेट इकबाल की दुकान के बराबर कर देता है। अरे भाईजान, बैग लेके भाग रहा है वो। मंजुल भाई पकड़ो उसको, मत पकड़ो। ला, मेरा बैग मुझे दे दे, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं, मेरे सालों की मेहनत है। ये बैग तेरे को नहीं मिलेगा बेटा। अगर आज से ये थैला ले गया ना, तो मैं अपने शहर कभी वापस नहीं जाऊंगा। चोर हूँ मैं, चोर। तेरे गांव का लाला नहीं, तेरे धमकी से डर जाऊंगा, समझे? कई दुकानों में भटकने और परेशानियों का सामना करने के बाद जब इकबाल और उसके भाई कपड़ा खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतना सारा माल वो रखेंगे कहाँ। फिर इकबाल जब अपने भाइयों की मदद से वो सारा माल साइकिल की दुकान में सेट कर लेता है और रमजान की वजह से सस्ते दाम पर बेचना भी शुरू कर देता है, बस यहीं से लाला की मुसीबत शुरू हो जाती है। दूसरी बड़ी दुकानों और काम कम चलने की परेशान होकर इकबाल एक रात अपने भाइयों को साथ लेकर 1972 की सुपरहिट फिल्म पाकीज़ा देखने के लिए एक सिनेमा हॉल में जाते हैं। ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आती है कि वो अपनी सदा मार्केट वाली दुकान का नाम ही पाकीज़ा रख देते हैं। बस फिर क्या था, फिल्म की तरह ये दुकान भी खूब चलती है। तीनों भाई एक शोरूम और 9 बड़े मॉल बनाते हैं। अब पाकीज़ा सिर्फ एक दुकान नहीं है, एक फर्म बन चुकी है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द मेंबर्स ऑफ पाकीज़ा टेक्सटाइल्स। I would like to now invite Gauri Brothers, who has been meritorious students of our college and also been instrumental of making Pakiza Textiles a big success. So may I please invite Gauri Brothers, please come on the stage. बहुत ही कम समय में Pakiza Textiles अपने टाइल्स को हर ग्राहक तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। आप आज भी हमारे लिए हमारे वही सेठ जी हैं। आप उस दिन वो थप्पड़ हमें ना मारते तो हम आज ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। इकबाल साहब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पाकीज़ा फर्म को कई बिजनेस में इन्वॉल्व किया, जैसे कि पाकीज़ा लाइफस्टाइल, पाकीज़ा कॉन्वेंट स्कूल, पाकीज़ा टेक्सटाइल और पाकीज़ा मॉल। इकबाल साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, उनसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता था, इसलिए उन्होंने पाकीज़ा चैरिटेबल ट्रस्ट भी शुरू किया था, जो कि YM सरकारी अस्पताल में सभी मरीजों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध करवाता था। यही नहीं,
सालों से इकबाल साहब गरीब और निर्धन परिवार की बेटियों की शादी का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं।